एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ समर स्पेशल डी टैन फेशियल। जी हाँ, घरेलू आइटम्स है, घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं। आप कैसे अपना घर पे समर में डी टैन फेशियल कर सकते हैं, क्योंकि समर्स में ऑब्वियसली टैनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा स्वेट की वजह से ब्रेकआउट्स आते हैं। तो मैं अपना करने जा रही थी डे केयर समर डी टैन फेशियल। मैं बिल्कुल उसी रफ्तार में हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए भी एक वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बाहर का कुछ भी सामान नहीं है, घर में जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, घर में भी जो भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उन्हीं की वजह से हम एक डी टैन फेशियल करेंगे। सो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम करेंगे क्लींजिंग। ओके, तो क्लींजिंग के लिए हमने लिया है ये कच्चा दूध, ठीक है। इससे हम प्रॉपर क्लींजिंग करेंगे। फिर स्क्रबिंग के लिए हम लेंगे टोमेटो और ये आपका चीनी और साथ में कॉफ़ी पाउडर, तो इससे करेंगे हम स्क्रबिंग। और फेस पैक के लिए हमने लिया है ये बेसन, चावल का आटा, ये हल्दी जो कि हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए, भून लिए, बिल्कुल प्रॉपर, वो पीली हल्दी है ही नहीं, हमने इसको घर पे अच्छे से भून लिया है। ये भून के कुछ ऐसा ब्राउनिश ब्लैक हो गया है, तो ये भुनी हुई हल्दी एंटी टैन, मतलब ये डी टैन फेशियल के लिए तो अमृत है, वरदान है भाई। ये भुनी हुई हल्दी को इसमें हम जो है शहद और टोमेटो जूस बस ये यूज़ करेंगे। शहद अगर आप स्किप करना चाहें तो इसकी जगह पे आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब आप हनी का यूज़ करिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हनी और टोमेटो जूस और ये भुनी हुई हल्दी, ये तीनों आप यूज़ करोगे, इन तीनों का डी टैन पे बहुत अच्छा असर आता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए हम लाएँ कच्चा दूध और कच्चे दूध से करेंगे क्लींजिंग। देख सकते हैं सिर्फ मिल्क से मैंने क्लीन किया, काफ़ी गंदगी भी निकली है। सो अगर आप नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे स्क्रब के लिए, तो मैं यूज़ करूँगी पार्टिकल्स ऑफ शुगर। अगर आपको वो ज़्यादा हार्ड लगते हैं या मेल्ट नहीं होंगे इतनी जल्दी, तो आप शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं फ़िलहाल अभी शुगर पार्टिकल्स ले रही हूँ और उससे स्क्रब करूँगी, शुगर पार्टिकल विद टोमेटो और कॉफ़ी, ठीक है। इससे करेंगे स्क्रब। स्क्रबिंग फेस वॉश करने के बाद आप लुक एट द स्किन टेक्सचर, आई होप क्लियर लग रहा है, मुझे तो बहुत क्लियर लग रहा है। मेरे आप ब्लेमिशेस में मत चाहिए, वो तो इंटीरियर टेक्सचर है, वो अंदर से ही है, तो वो तो मैं एकदम रातों रात नहीं गायब कर सकती, बट या आप टेक्सचर मुझे बहुत क्लीन फील हो रहा है अभी, बहुत स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है। सो या आप हम लोग बनाएंगे फेस पैक। फेस पैक में बेसन, चावल का आटा, कॉफ़ी, आलू का रस, यस आलू का रस, शहद और ये हल्दी यूज़ तो करेंगे, साथ में दूध बच रहा है तो वो भी मैं डालूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बनाते हैं बढ़िया सा पेस्ट एंड देन लगाते हैं उसको।
इस डी टैन पैक को अपने हैंड्स पे, लेग्स पे, जहाँ जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि एक्सपोजर एरिया ज़्यादा है तो उस एरिया पे आप यूज़ कर सकते हैं। द मिरेकल जैसा वर्क करेगा, अभी आप खुद देखना रिजल्ट्स। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको रिजल्ट्स आ जाएगा, यू नो यू हैव टू यूज़ इट रेगुलरली, वंस इन अ वीक एटलीस्ट। अगर दो बार करो तो बहुत ही अच्छा है। मुझे भी टाइम नहीं मिलता है मैम, मुझे भी जब सैटरडे संडे या कभी कुछ छुट्टी होती तभी मैं टाइम निकाल के सब कर पाती हूँ, बट हाँ एक रेगुलर बेसिस पे मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम से, मैंने अपनी नंद की शादी से 2022 आई गेस, मतलब जब भी नंद की शादी में मैंने लास्ट फेशियल कराया था तब से मैंने फेशियल नहीं लिया है। और मैं प्रॉपर ये रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ ही यूज़ कर रही हूँ एंड मेरी स्किन में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम लग नहीं रही है, टच वुड, टच वुड। सो या आप भी होम रेमेडीज़ का यूज़ करके अपने स्किन टेक्सचर को, अपने स्किन को रेडियंट और बहुत ही अच्छा कर सकते हो। सो या अभी मिलती हूँ मैं आपको, इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखना है गर्मियों में, और उसके बाद उसे इसे रब करते हुए, मसाज करते हुए इसको उतारना है। सो मिलते हैं इसके बाद। देख सकते हो कितनी स्क्वीकी क्लीन लग रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डी टैन फेशियल अपने घर पे कर सकते हैं, और जो भी आपका सामान बच जाता है तो उसे आप जब भी आप नहाएं तो एज अ बॉडी स्क्रब या बॉडी वॉश की तरह भी आप उसे उस सामान को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया। इसके बाद आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए, नहीं तो अगर आप घर पे हैं और आप कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना चाह रहे तो एलोवेरा जेल लगा के आप अपने चेहरे को छोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र लगा के और अच्छा सा सनस्क्रीन ज़रूर लगाइएगा। तो ये था मेरा होम रेमेडी डी टैन फेशियल एट होम। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, अपना फेस वॉश, अपना सॉरी फेस वॉश, हेयर वॉश वगैरह करने के लिए। सो मैंने सोचा क्विक आपको एक ये वीडियो के थ्रू आपको बता देती हूँ कि एक ये फेशियल कैसे होता है। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और आप भी अपने घरों में ट्राई करिए। बहुत ही आजमाया हुआ ये फेशियल है, ये एक पैक है, इसे आप डेली तो नहीं लेकिन अगर हफ्ते में दो दिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स फॉर श्योर मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज वादी और माय कैप्टन फन साइनिंग।